जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जस्य श्री परमेश्वरस्य कृपया मूकोऽपि वाचालतां पङ्गुपर्वतलङ्घने किल महां सामर्थ्यमेते क्षणात् जन्मान्धोऽप्यरविन्दसदृशुदृशु द्वन्द्वं किमन्यत परं वन्दे चक्रधरं प्रसन्नवदनं भक्तस्य चिन्तामणि श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु चतुर्धामूर्तिंकर श्रीचरणारविंदर अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादु जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु, आपण माने महाप्रभुंकर प्रात कालरु द्वार फिटा भगवान सूर्य नारायणंकर प्रात कालर उदय कालीन दर्शन सुंदर भावरे करिछंति। वर्तमान मध्य महाप्रभुंकर पतित पावन नारायणंकर दर्शन भी आपण माने करुछंति। निश्चित भावरे सिंहद्वार चलचंचल, चारिआड़े भक्त मानकर गोटे चतुर्पार्श्वरे आसर लगी। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महान लीला प्रत्येक मुहूर्त भक्त टीए महाप्रभु को दर्शन करने ही केवल श्रीक्षेत्र को आसी था, कारण दर्शन सर्वस्व देवता जगन्नाथ महाप्रभु से दर्शन पाई ही केवल भक्त टीए टाणी ही पलि आसे। जदि कौन भक्त मैंने दर्शन महाप्रभुंकर नपाई था तेज आमर जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण प्रत्येक दिन आपण मैने पतित पावन नारायण ऊर्धदेश भगवती तोरण लक्ष्मी एवं चतुर्पार्श्वरे अन्यान्य देवता मानकर मध्य आपण मैंने सीधा प्रसारण दर्शन करते। तेणु दर्शनात मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद, दर्शन करिबा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महान लीला ठाकुरंकर चारिआड़े गोटे घन कुहुड़ीर आसर, चतुर्पार्श्वरे आपण माने देखुचंती आजि कुहुड़ी पड़ी जहाँकि नीलचक्र दृश्य होना, तेणु यही घन कुहुड़ी मध्य भगवान पतित पावन कर नारायण कर दर्शन सहित सिंहद्वार भक्त मानकर जीवा आसवा मध्य लगी। आम प्रत्येक दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर गोटे गोटे कथा गोटे गोटे लीला उपरे आलोकपात करी थाए। तेणु श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावनम पावकानम जहाँ को दर्शन कले मनुष्य उधार हब, तेणु से उधार हबार मार्ग होची श्री जगन्नाथ महाप्रभु, से उधार ही करन। तेणु प्रभुंकर सानिध्य लाभ करिबा, प्रभुंकर चरणारविंदर निजकु समर्पित करिबा गोटे अतीब होचंती चमत्कार दृश्य आपण माने देखुचंती। एसबु सिंहद्वार पार्श्ववर्ती स्थान रे जो माने गृह को फेरी थांते एसबु पेड़ी देखा जाउछ, विभिन्न प्रकार खईकोरा ठार आरंभ कर निर्माल्य पर्यंत ता भितर बंधाई भक्त मैंने विशेष भाव घर को नहीं थांती। एवं ये पेड़ी गोटे स्वतंत्र प्रकार भाव सृष्टि करे, अनेक भक्त मैंने श्रीक्षेत्र को आसिले प्रभु को दर्शन करी
पेड़ी नहीं जाई थांती। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महान लीला जो लीला की जगन्नाथ महाप्रभु लीला को कहीं मध्य जानपारिना न तद भास ये सूर्य न शशाक न पावक जदगत्वान निवर्तन्ते तधामं परमं मम। जो स्थान को थरे पहुँचीगले जाहंकर कृपार थरे कृपार पात्र हो गले जीवन धन्य हो जाए। पतका अंचल चंचल डाके पापी को अबा पतका अंचल चंचल पतका अंचल चारियाड़े चल चंचल हो महाप्रभुंकर पतका उड़ुछंती। श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ महाप्रभुंकर लीला भक्त माने आनंदर सहित श्रीमंदिर को दर्शन करने पर विभोर हो चली। नारायण कृपा कारण नारायण पद्मभवं वशिष्ठं सगतिंच ततपुत्र पराशरंच। नारायण भगवान नारायण दर्शन भगवान जिते गुड़े रीति नीति आपण मैंने देखुं प्रभुंर निर्माल्य ये सब प्रत्येक दिन महाप्रभुंर भक्त मैने निर्माल्य पवित्र शंख मध्य देखा बाजिबा शंख पूजा शंख ये सब शंख विविध प्रकार कारण ये शंख पूजा समय रे कार्य लगी था मंगल होती शब्द मध्य प्रदान करे। ये तो व्यतीत निर्माल्य जो अच्छा से निर्माल्य मध्य स्नान परे प्रत्येह निर्माल्य पाइबार गोटे धारा आमर उत्कल प्रत्येक भगवान जो भक्त मान रही जहाँकि से निर्माल्य को टिके पाई प्रत्येक सकाल अयमारंभ होता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पवित्र लीला पवित्र स्थान ये हूँ स्वतंत्र तुमाया तुते अगोचर कहूँ जानवे नर छार तेणु जगन्नाथ महाप्रभु लीला को कहीं मध्य भेद करी पारी नाहंती। श्रीमंदिर भीतर को आम मैने देखिले ये सब जहाँकि आपण मैने देखुंती विभिन्न प्रकार छोट बड़ जो मैंने व्यापारी मैंने अच्छा से मैंने विभिन्न हूँ काठ चंदन काठ बोली जहाँकि होती भक्त मैंने किणिक नहीं था निश्चित भाव में केते दूर से चंदन काठ ठीक से आम कहीपर ना केवल आमको जहाँ देखा जामें ताहीपर ता चंदन पेड़ी भी पाखे अच्छी श्रीक्षेत्र बड़दाण्डर अपूर्व दृश्य भक्त मैंने महाप्रभु को दर्शन करने पाई अनेक भक्त आसुचंती अनेक भक्त मध्य प्रातः काल दर्शन कर फेरवा आरंभ कले। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर महान लीला ये हूँ स्वतंत्र तुमाया तुते अगोचर कहूँ जानवे नर छार जहाँ लीला को साधारण मनुष्य जापर ना से लीला महाप्रभु पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रत्येह विविध स्थान रु भक्त मैंने महाप्रभु पाखक टाणी ही पलि आसुच आज आम देखा
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଠାରୁ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମହାନ ସ୍ଥାନ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନୀ ଯାତ୍ରା ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଧର୍ମଦ୍ୱାର। ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ନିହିତମ୍ ଗୁହାୟ, ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ନିହିତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଟିଏ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କର କୃପା ପାଇବ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର କୃପା ପାଇବ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ସର୍ବାଦୌ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଉପାସନା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। କିଏ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ଭିତରେ ଥାଏ, ତ କିଏ ଶୈବ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଆଉ କେହି କେହି ଗାଣପତ୍ୟ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି, ତ କିଏ ବୈଷ୍ଣବ୍ୟ ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି, କିଏ ସୌର ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ। ପଞ୍ଚଦେବତାମାନଙ୍କର ଉପାସନାର ମାର୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ପଞ୍ଚଦେବତା ଉପାସନା ହେଉଛି ଏଠି ପ୍ରଶସ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଲୀଳା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭକ୍ତଟିଏ ଡାକିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଭଗବତୀଙ୍କର, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ରମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ। ତେଣୁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ବଟମଙ୍ଗଳା ନାମରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି, କାରଣ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ବିମଳା ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରାୟଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଅର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣା ଠାରୁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଦେବୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ, କାରଣ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଦେବୀ। ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ପାରାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗହଳି ଲାଗିଛି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ, ବୁଟ ମଟର ଆଉ ଏସବୁ ଶସ୍ୟ ଯାହାକି ଆଣିକରି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗହମ। ତେଣୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପାରାମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟାସରେ, କାରଣ ହେଉଛି ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପାରା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ତା'ର ସମୟ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିୟମକାନୁନ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାରା ସେ ଅନ୍ୟାୟାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟାସରେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ପ୍ରତି ବାଧା ନାହିଁ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
ये तथ्य ये हूँ गोटे स्वतंत्र से श्री जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन क्षेत्र में जिते गुड़िए रीतिनीति रही ये सब गुड़िक वैकुंठर रीतिनीति जगन्नाथ महाप्रभु को आम जो बटमंगला मंदिर बटमंगला मंदिर साधक मानकर गोटे आराध्य देवी भाव भगवती प्रपूजिता श्रीमंदिर अंतरवेदी रत्न सिंहासन सुरक्षा पाई प्रतिष्ठित थिबा अन्यान्य देवी विग्रह मध्य सर्वमंगला से मध्य अन्यतम कारण श्रीक्षेत्र अनेक मंगला उपासना अच्छी बटमंगला अच्छा बाटमंगला अच्छा घाट मंगला अच्छा पंथा मंगला अच्छा सर्वमंगला अच्छा भाव मंगलांकर उपासना स्वतंत्र रही कि जगन्नाथ संस्कृति सहित जड़ित थिबा मंगलांकर जो उपासना मंगलांकर जो धारा से धारा हूँ स्वतंत्र कारण मंगलांकर उपासना मंगलांकर धारा कहिले ये गोटे धारा जो धारा आवाहमान कालरु चली आसी प्रभु को पाइबा गोटे गोटे से मार्ग किए शक्ति मार्ग जा भगवान पाखे पहुँची जीव किए वैष्णवी मार्ग जा पहुँची जीव ये सब गोटे गोटे धारा सर्वमंगला मंदिर बड़ महान स्थान सी कल्पवृक्ष पुणी चतुर्पार्श्वे बट गणपति अच्छा पंच महादेव अच्छा ଏଭଳି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାରାୟଣ ବରାହ ନାରାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆମେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସିଂହଦ୍ୱାରର ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ ବଡ଼ ଛତା ମଠ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିଳ୍ପର ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଗନ୍ତାଘର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ବୋଲି କେତେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କର ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଗୁମୁଟ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ପତିତ ପାବନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଦେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରଶିବମୟୀ ଶୁଦ୍ଧ ଜାମ୍ବୁ ନଦାଭାମ ତେଜୋ ରୂପାମ କନକ ବସନାମ ସର୍ବଭୂଷ ଜୋଲାଙ୍ଗୀ ବିଜାପୁରମ କନକ କଳସମ ହେମ ପଦ୍ମମ ଦଧାନମ ଆଦ୍ୟା ସଗତି ସକଳ ଜନନୀ ବିଷ୍ଣୁ ବାମାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ବିଷ୍ଣୁ ବାମାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ମା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଡାହାଣ ଉପର ହସ୍ତରେ ଗଦା ନିମ୍ନ ହସ୍ତରେ ଅଭୟ ବାମ ହସ୍ତରେ ଉପରେ ତ୍ରିଶୂଳ ନିମ୍ନ ହସ୍ତରେ ଅଭୟ ବାମ ଉପର ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଶୋଭିତ ବଟମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନର ବାମପଟ କାନ୍ଥରେ ଶୀତଳାଦେବୀ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଉପରେ ଚାରିଗୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିମା ଯଥା ପୁତାମଚଣ୍ଡୀ ବାଉଦେବୀ ଝାଡ଼େଶ୍ୱରୀ
महाकाली ई मध्य विराजिता गर्भगृह बा विमान गृहर द्वार देशर दुई पार्श्वरे गंगा जमुना प्रतिमा मध्य अधिष्ठित विग्रह मानक उपरी पार्श्वरे बाघमुखी सिंहमुखी प्रतिमा एवं नवग्रह मध्य विराजमान करिसेंति। एतत् व्यतीत उपरी भाग गोटे क्षुद्र मंगला मूर्ति अधिष्ठित जगमंडल दक्षिण पार्श्वरे काली तारा छिन्नमस्ता भैरवी भुवनेश्वरी षोलशी एवं धूमावती बगला इत्यादि कमलात्मिका पर्यतम दस महाविद्यांकर स्वरूप देखा मिले कारण देवी उपासनार वास्तव देवी उपासना जो माने करती दस महाविद्या आराधना करी अनेक साधक माने गोटे गोटे महाविद्यांकर साधना करी सिद्धिलाभ करी विविध प्रकार कार्य करती जाऊ श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र से बटमंगला जहाँकि बटमंगला गोटे एभली स्थान आपण माने देखिबे अनेक व्यक्ति मानकर पुरुषोत्तम क्षेत्र गोटे मानसिक थाए से माने बटमंगला पाखरे गोटे मानसिक भी रखती एवं माँकर दैनंदिन नीति सेवक मानक द्वारा परिचालित तो हुए कारण जेहेतु श्रीमंदिर प्रशासन तरफ सेवक माने से नीति स्वतंत्र भाव निर्वाह करती दैनंदिन नीति पाई बल्लभ श्रीमंदिर नीति सहित जेहेतु स्वतंत्र भाव दैनिक नीति मध्य रही कोरा रही बाहर देवली काकरा गोटे सका धूपर खेचिड़ी गोटे ओली धूपर ओलिया जहाँ को आम कह गए गोटे ओली मंगलांकर दैनंदिन नीति मध्य आलती माल मईलम अवकाश बेश सका धूप मध्य अनुष्ठित हुए विधि विधान अनुसार आम आउ गोटे दृश्य एतद व्यतीत देखुचे अरुण स्तंभ सुंदर भाव भगवान से अरुण स्तंभ जो अरुण स्तंभ सूर्य रथर सारथी अरुण गोटे पारा तापर बस दृश्य आसूची ये किसी समय पूर्व कहते ना पारा गोटे अन्यायसरे भगवान को दर्शन कर तार किसी कौट जो कारो कि कई तक करते कारण से चलला मध्य कई अनेक भक्त मैंने भजन में स्थानित करा को मु तो बड़ देवलर पारे नीलचक्र मोर आसरा तेणु से बड़ देवल सम्मुख भाग बड़ देवल भितर पारा को देखा मिले दिन थिला पारा मध्य वार्ता बह ही भारतीय संस्कृति रे गोटे होती प्रख्यात स्थान अधिकार करथिले तेणु गोटे विश्वासी पक्षी भाव से निश्चित भाव ग्रहण करा जाई थाए आज समय बदली पारा वार्ता बह हो रहा आवश्यक सीना पड़ूना किंतु जदि आम वार्ता बह बोली चिंता करवा पारा को वार्ता बह कर आपण माने चिंता करूँ से पारा मानकर से धन्य समाने बेले बेले भावे जगन्नाथ महाप्रभु से पारा को देखिले बड़देवल कि जन्मर होकर कृतार्थ हम कृतार्थ हम कारण विभिन्न पक्षी मध्य केवल गरुड़ गोटे केवल जगन्नाथ महाप्रभुंकर सम्मुखें पारा अन्याय सारे जी भगवान को दर्शन करुछंती
यह देखा मिले तेणु निश्चित भाव ये सब जन्म जन्मांतर संस्कार ना केवपर ना जाऊ श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र मंगलांकर जो मंदिर संपर्क में आम आलोचना करते भगवती देवी मंगला काला भ्राभम कटाक्षी ररिकूल भयदम मौली बद्धेन्दु रेखाम शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशिखमपि करे हृदबहंती त्रिनेत्राम सिंह स्कंधादि रूढ़ाम त्रिभुवनम अखिलम तेजसा पूरयंती ध्याये दुर्गा जयाक्यम त्रिदेश परिवृताम सेवितम सिद्ध कामयी माँ से सिद्धिदात्री सिद्धि कामयी माँ तेणु तांकर शरणापन्न हेले निश्चित भाव रे आमर मंगल हब तेणु तांकर ना एथिपाई मंगला भगवतींकर मध्य स्वतंत्र भाव रे जेतेबेले रे मूलाष्टमी थारू भगवतींकर स्वतंत्र पूजा अनुष्ठित होइथाय से पूजा रे मध्य विविध बेसरे भगवती भक्त मान को दर्शन दियंती अन्नपूर्णा बेश बगला बेश हरचंडी बेश मातंगिनी राजेश्वरी महालक्ष्मी सिंहवाहिनी भुवनेश्वरी सिद्धेश्वरी उग्र तारा कृष्ण काली तेणु पंचमी तिथि कृष्ण काली बेश हुंती दशभुजा चामुंडा बेश सप्तमी भगवती बेश नारायणी बेश जय दुर्गा बेश दशहरा अपराजिता बेश श्यामा पूजा दीपावली काली बेश अनुष्ठित होती भगवती तेणु षोल पूजा शारदीय पूजा पाई मंदिर प्रशासन तरफ स्वतंत्र भाव में श्रुतीय ब्राह्मण माने जहाँकि गजपति महाराज गुआ टेका हला राजगुरु द्वारा निजुक्ति करा जाए चंडीपाठ पूजा इत्यादि मध्य समाहित होता है। ये हूँ श्रीमंदिर माँ मंगला जी बटमंगला स्वतंत्र रही नीति ये बटमंगला भक्त माने जिते बड़े दर्शन करती आपण माने देखुंट सिंहद्वार जन भक्त जगन्नाथ महाप्रभु को हाथ टेकी से श्रीमंदिर को चाह पतित पावन कर दर्शन ठारु आरंभ करी श्रीमंदिर को नीलचक्र को देखी समर्पण भाव रे कारण को भक्त को प्रकार कौन कह मानसिक रही किए कौन जनाऊँगी सी केवल से ही जानी थे सब जगन्नाथ महाप्रभु को जना भक्त जी जनाऊँ सी कौन तर दुख जनाऊँच से ही जानी थे किंतु प्रभु समस्त दुख हरण करते निश्चित भाव से मंगला प्रत्येक कार्य आपण देखिए मंगलांकर उपासना आमर रही श्रीमंदिर मंगलांकर स्वतंत्र स्थान नवकलेवर समय रे आपण माने जानती श्री विग्रह मानकर जते बेले रे दारू अन्वेषण पाई दैतापति ठारू आरंभ करी श्रुतीय ब्राह्मण माने अन्यान्य संपृक्त सेवक पतिमापत्र देवलकरण तड़ुकरण लिंका ए संपृक्त समस्त सेवा सेवक माने वनजात्रा रे स्वतंत्र जाई वनजाग से समय रे मंगलांकर स्थान होती गोटे स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि काकटपुर देवली मठ रे अवस्थान करी मंगलांक मंदिर को खबर देले स्वतंत्र भाव रे सेठारे माल महार्द भगवती को स्वतंत्र अर्पण करा जाए चंडीपाठ ठारु आरंभ करी स्नान ठारु आरंभ करी जो विधि विधान अनुसार जहाँ रही सब करा जाए था भगवती निर्देश रे दारु वृक्षर होती चयन करा जाए था दिग भगवती ही होती दिग मार्ग दर्शन करी थांती तेणु सर्वाद देखा गले मंगलांकर भूमिका होती श्रीक्षेत्र गुरुत्वपूर्ण से सदा सर्वदा श्रीमंदिर सहित संजोगीकृत माँ
भक्त माने जत बेले आसुछंती श्रीक्षेत्र को दर्शन करबा पई आपण माने देखिबे जगन्नाथ सड़क से मार्ग रे मध्य मार्गदर्शन भगवती बाट मंगला अछंती बाट मंगला को मुंडिया मारी भक्त माने श्रीक्षेत्र को प्रवेश करंती। ये मध्य एक प्रकार रो मंगलांकर होचंती श्रीक्षेत्र को आसुथिबार भक्त मानकर प्रति तांकर कृपा रहिले महाप्रभु को दर्शन मिलिबो लोक विश्वास अछि। सुंदर भाव रे आमे विमला देवींकर प्रतिनिधि काकुड़ी खाईंकर मंदिर टी देखुचे। ये होची काकुड़ी खाई देवी माँ विमलांकर प्रतिनिधि भाव रे उपासिता जे पूर्वरे आमर जिते जहाँ विमलांकर सब जाचेगा जिनस थाए से सब ये काकुड़ी खाई पाखे समर्पित करा जाए। कारण विमला देवी निर्दिष्ट प्रकार जेहेतु सिठी भोग राग भल मंद नीतिकांति ये सब निर्दिष्ट विधि मध्य रही श्रीमंदिर भितर प्रतिनिधि भाव में काकुड़ी खाई जनविश्वास अच्छी समस्त मध्य से भितरे महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करती एवं श्रीमंदिर बेढ़ा परिक्रमा कर आसवा पर काकुड़ी खाईकर सानिध्य लाभ कर तेणु आम से काकुड़ी खाई दर्शन करते ये होंगे बैश पावच्छ जो बैश पावच्छ जी भक्त मानक जीवा आसवा लगी पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र बैश पावच्छ बैश पावच्छर महानता मध्य स्वतंत्र कारण बैश पावच्छ यह महानता रही प्रत्येक पावच्छ अतिक्रम कले सतेकी पूर्ण ब्रह्मंकर सम्मुखवर्ती जीव होउची ताहि अनुभव करे। तेणु कहुची प्रवृत्ते भैरव चक्रम सर्वधर्मम द्विजोत्तमा निवृत्ते भैरव चक्रम सर्वधर्मम पृथक पृथक निवृत्त हो गले सर्वधर्म पृथक पृथक। तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर महान लीला ये होची स्वतंत्र श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर ये सब व्यवस्था मध्य प्रभुंकर मानवीय लीला ये मानवीय लीला हूँ स्वतंत्र कहीं ना प्रभु इठी कृपा करने अहरह होती कृपार मुद्रार आबद्ध। आपण मैंने देखुंट काकुड़ी खाईकर स्वरूप देवी कारण देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मात जगत खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमेश्वरी देवी चराचरस्य से सब प्रदान करती। तेणु देवींकर शरणापन्न हो गले कहुची जा श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृत ध्याम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजनम प्रभवस्य लज्जा तम तम नतास्म परिपा लयदेव विश्वम मा भगवती जे समस्त विश्वर अधिकारिणी मा श्री महालक्ष्मी नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते नारायणी नमस्तुते नमस्ते गरुडारूढ़े कुलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी नारायणी नमस्तुते। तेणु जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे एठी भगवती स्वतंत्र भाव रे दशभुजा स्वरूपा जहाँ कि अक्षशक परसम गदेशु कुलिशम पद्मम धनु कुंडिका
कुंडिका दंडम शक्ति मसिंत चर्म जलजम घंटा सुरा भाजनम शूलम पाश सुदर्शने दधति हस्ते प्रबाल प्रभाम सेवे से भवमर्दिनिम यह महालक्ष्मी सरोज स्थिताम। जे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा त्रिगुणात्मिकाय नमो नमः। से त्रिगुणात्मिका रूप धारण करती से भगवती सानिध्य लाभ करी जत बेले भक्त टीए समर्पित हो जाए सेत बेले प्रत्येक कार्य को भगवती ही केवल तार संपादन करती तेणु ऊर्धदेश महालक्ष्मी पतित पावन नारायण गुमुटरे अपूर्व दर्शन जो दर्शन बैकुंठरे न आसी मध्य कारण बैकुंठ को जो भक्त माने आसी पारु नांती से माने घरे रही मध्य ये दर्शन करछंती। जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महान लीला जेते गुड़िए लीला अच्छी ये लीला हूँ स्वतंत्र आपण माने देखुचंती भक्त मानंकु सुंदर भाव दर्शन करी भक्त माने दक्षिण द्वार दे जो माने बाहर चंती तारी दृश्य देखा जाउची दक्षिण द्वार दे भक्त माने आसचंती महावीर मध्य अछंती जीवा शिवा चली परिक्रमा मार्ग स्वतंत्र भाव जेतु श्रीमंदिर को परिक्रमा करिबा पाई प्रशस्त हो जाइछि स्थान भक्त मानकर गहली लागिछि एतद व्यतीत पुणी आमे से सिंहद्वार को फेरुचे कारण श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व इटि सब होउछि चारि चतुर्बाहु चतुर्मूर्ति चतुर्वेद चतुर्द्वार सब चारि चतुर्धा मूर्ति महाप्रभु सब प्रकार होची चारि धर्म अर्थ काम मुख्य चारि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारि तेणु सबु चारि भितरे जगन्नाथ महाप्रभुंकर पंचकोशात्मक मंदिर ऊर्ध्वदेश रे सिंह स्वतंत्र भाव में विराजमान करसिंह प्रभुंकर से सिंहद्वार गुमुट ऊर्ध्वदेश रे सुंदर भाव रे ये सिंह दर्शन दौंती भक्त मान को कारण से गुमुटर दधि नौती ठीक होती सम्मुख भाग ये सिंह रही उत्कलीय स्थापत्यर ये होती महान निदर्शन आपण माने देखुंट भगवान से पवित्र सिंह द्वार पूर्व द्वार ऊर्धदधिनौती उपरे गुमुट उपरे सिंह विराजमान करिछि तले मध्य सिंह अछंति ना रहिला सिंह द्वार कारण ए सिंह हाथी घोड़ा ये सब होती आम संस्कृति रे पूजा करा जाय था कारण इठी सब प्रकार ये संस्कृति यही भाव जगन्नाथ संस्कृति या मापी है ना ही सिंह को पूजा करा जाउची घोड़ा को पूजा करा जाउची व्याघ्र को पूजा करा जाउची हस्ती की पूजा करा जाउची तेणु मोर विचित्र संस्कृति जाऊ समय मोर बाणी को मुझे विश्राम देवी आमर श्रीमती नमिता अग्रवाल महोदया तांकर सुललित कंठ रे आमे भक्ति भरा भजन श्रवण करिबा एवं सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।